हेलो मेरे ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम दो काम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक मैं आपको दिखाऊंगी आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप, जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं, पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस थोड़ा सा सामान होना चाहिए। और दूसरा हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डम शराज खेलें। तो भारती को बहुत मना रही हूँ बट वो मान नहीं रही है, बट विनीता दी एंड मैं रेडी हैं, तो हम खेलेंगे डमशराज। और आपको भी गेस करना है मूवी का नाम। वैसे हम बहुत पहले खेल चुके हैं डमशराज, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपको याद होगा कि मैंने ननुक ने डमशराज खेला था। पता नहीं वो वीडियो क्यों नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ पाई, बट वो बहुत ही हंसी की वीडियो थी। तो अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर देखना। मैं आई बटन पे यहाँ पे अभी क्लिक कर देती हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो चलो अब हम क्या करते हैं, पहले आपको दिखाती हूँ आई मेकअप एंड उसके बाद हम खेलेंगे डमशराज। तो चलें फिर। तो आई मेकअप जो मोनू ने किया है वो बहुत ही मिनिमम चीज़ों से किया है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं बेस वो लगा रही है गार्नियर की बीबी क्रीम पे, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई कंसीलर नहीं, जो सिंपल सी गार्नियर की बीबी क्रीम आती है उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वह उससे आपका अच्छा खासा बेस तैयार हो जाता है। बस उसने अच्छे से इसको ब्रश की सहायता से पूरे आँखों पर टैप टैप करके लगाया, देन स्पंज से उसने अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है। फिर उसने अपने आई पैलेट में से ही ब्लैक कलर से आईब्रो बहुत अच्छी सी बना दी है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं लग रही है, जैसी है बस उसी पे कलर कर दिया है, तो थोड़ी सी इन्हेंस हो गई है। और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आईज बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो फिर थोड़ी सी अलग लगती है। तो अगेन उसने थोड़ा सा जो बीबी क्रीम है उसको फिर से अप्लाई किया है, इस बार उसने आईब्रो के ऊपर एंड नीचे की साइड किया है, जिससे कि आईब्रो अच्छे से उभर के दिखने लगेगी, कलर की शेप उसका अच्छे से दिखने लगता है। एंड दोनों आँखों के साइड में आप देख सकते हैं उसने टेप चिपकाई है, जिससे कि शेप बाद में बहुत अच्छी आती है। कुछ इस तरह का आई पैलेट उसके पास था, जिसमें से उसने ब्राउन कलर लेके आई कॉर्नर में पीछे की साइड से उसने उसको राउंड राउंड घुमाना शुरू किया है एंड एक अच्छा सा बेस तैयार कर लिया है। और ये वाला कलर उसने आई थिंक यूज़ किया था, तो वो कर रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब उसने जेल आई कलर जो होता है, जेल लाइनर जो होता है वो लिया है, तो ये कोई भी हो सकता है, मेबलिन का हो सकता है, कलर बार का हो सकता है, तो बहुत सारे कंपनीज अब इस टाइप के बनाती हैं, आप सबको पता है। तो उसने बस वही लिया है, जेल कलर है ये, एंड उसको अच्छे से आँखों पर अप्लाई कर रही है। और आप देख सकते हैं कि उसने कोने छोड़ दिए आँखों के, तो वो उसको बाद में फिलअप करेगी। तो दोनों उस पर उसने पहले अच्छे से स्मोकी आइज़ के लिए जेल लगाया है, पूरी आंखों पे अच्छे से अप्लाई किया है, और उसके बाद इसने उस पर लगाया था। तो ये कुछ आई पैलेट है उसका इस तरह का, तो इसमें से उसने ये जो मैट वाला कलर आप देख रहे हैं ना ब्लैक, जेल के ऊपर अब उसने लगाया मैट कलर ब्लैक, तो उससे क्या होगा, वो जो शाइनी सा दिख रहा था वो अब थोड़ा दब गया है एंड आँखें और भी ज़्यादा स्मोकी लगेंगी अभी जब इसके ऊपर थोड़ा सा वो शिमर लगाएगी। तो उसने फिर से ये ब्राउन कलर लिया एंड आँखों पे जब वो काला लगा रही थी तो उनको इक्वल करने के लिए दोबारा से उसने ये ब्राउन कलर से जो उबड़ खाबड़ सा लगने लगता है आँखों पे उसको इक्वल किया इस ब्राउन कलर से, फिर से राउंड राउंड घुमा के। तो ये प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक आपको खुद से ना लगे कि हाँ अब ये परफेक्ट हो चुका है। तो देखिए अब उसने उसी पैलेट में से ये जो शिमर वाला ब्लैक था वो लगाया है एंड अब आके बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये बता दूं मैं आपको, इसमें कोई रिंग लाइट वगैरह यूज़ नहीं हुई, नेचुरल खिड़की की रोशनी में ये शूट हो रहा है एंड ये बस थोड़ा सा जो सामान उसका आप देख पा रहे हैं यही सामान है, इसी से वो दीदी का मेकअप करने वाली है। और अब जो उसने कॉर्नर छोड़े थे आँखों के आगे वाले उस पर उसने लाइन एक ड्रॉ करी एंड उसको पूरा फिलअप कर दिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बड़ी बड़ी आँखें लग रही हैं आप दीदी की। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये मेकअप, बस अब वो थोड़ा सा हाइलाइटर लेके आईब्रो के नीचे लगाएगी, जिससे कि ये गैप थोड़ा बड़ा दिखता है ना, आंखें उसके इल्यूजन से थोड़ी बड़ी दिखती है, तो ये वाला हाइलाइटर उसने यूज़ किया था एंड बस ऑलमोस्ट डन है। तो अब फाइनल लुक देखते हैं दीदी का कि कैसी बनी है स्मोकी आइज, पहले ये चिट रिमूव कर देते हैं।
तो भाई डांस तो बनता है, जब भी हम बहनें खुश होती हैं तो हम डांस जरूर करती हैं। तो दीदी का हुआ था आई मेकअप, तो डांस तो बनता है। अब न छुपाऊंगी, दिश दिश सबको बताऊंगी, दिश दिश तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। गोरी है कलाइया, पहले बता कौन गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, सैया जी से छुपके, सैया जी से छुपके हुई क्या तेरी बात, बता दे बेलिया, सात समुंदर पार तू मेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे नीचे आ गई, हे आ रा 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 रे, साइकिल कूद पड़ो, कहाँ पे कूदता है वो रा की छोर जब पड़ो, मेलो में हो दौड़ो, पंचर कर लायो, आ रा 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 ऐसी ट्यून आती है वो। गोरी है कलाइया, तुला दे मेरी हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलाइया। तो भारती बता रही है एक पिक्चर का नाम जो दीदी करेगी अब एक्ट। चल वर्ड्स बताओ। हाँ वन ओके। नहीं लाइट आ रही है इसकी यार बहुत ज्यादा। हाँ चलो तो उधर जाओ, उधर जाओ। थप्पड़ 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 इतना इसे बताया। ठीक है तेरे को क्या अच्छा बता रही है अब, इतना टफ बता दी, बताऊंगी कैसे बताऊंगी। वर्ड बता कितने, दो हैं दो हैं दो। कैमरा नहीं सेट हो पा रहा, कोई हमारा कैमरा पकड़ ले यार। डू यार ये कैसे करूंगी। ओह माय गॉड ये बता, नहीं ये नहीं हो पाएगा भाई, बहुत टफ है। अंग्रेजी मीडियम कैसे करूंगी मैं, अंग्रेजी तो नहीं बोला इसने, ये कैसे करूंगी तो। यहाँ पे हमारा डम शराज स्टार्ट तो हुआ बट खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि बेला ने हमें खेलने ही नहीं दिया। बेला बार बार आके बीच में भौंकने लगती, जिसकी वजह से सारा शूट खराब हो गया। तो इस वीडियो को मैंने यहीं एंड कर दिया है। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो बने रहना हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक देना नहीं भूलना, एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो मिलेंगे हमारी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लव ऑल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त।